विभाग के रिटायर पूर्व संविलियन अधिकारी श्रीमान आयुष खान साहब से हमारे लिए WLS आपसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दें इस अवसर पर। काफी लोग जानते हैं, मैं अभी तक निर्माण श्रमिकों के बारे में बताऊँ। लेबर कार्ड नाम सुना है? लेबर कार्ड का तो आप लोगों ने अपने खास में लोगों ने बनवाने भी दिए होंगे। बनवाए तो बनवाए किसी ने? बनवाए आपने? अच्छा, लेकिन सर लाभ नहीं मिला। लाभ तो आपने लिया नहीं होगा ना? लिया सर, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं फोन। कमी होगी हॉस्पिटल सर, थोड़ी बहुत सर बाद में बात में सर बताएंगे बाद में करेंगे। कोई कमी होगी उसमें, उस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया होगा। तो जो निर्माण श्रमिक है, देखिए श्रमिकों में से जो जितने श्रमिक है उनमें एक बड़ा तबका या ज़्यादातर प्रतिशत जो 80% श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र से आते हैं। असंगठित समझते हो? असंगठित इनका कोई संगठित वो अलग अलग बिखरे होते हैं। संगठित वो होते हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक में काम कर रहे हैं, दारा मिल में काम कर रहे हैं, ऐसे बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिनको ESI PF है, बोनस है और सारा लाभ मिलता है, वो तो संगठित क्षेत्र में आते हैं, समझे ना। तो उसके अलावा जो भी जितने भी श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र में जो आते हैं श्रमिक कृषि श्रमिक है। उसके बाद जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक आते हैं सबसे ज़्यादा उसके बाद में वो है निर्माण श्रमिक। निर्माण श्रमिक के समय तो समझते कंठाड़ में काम करने वाले, अपने देसी भाषा में कारखाने में काम करने बोलते हैं, देसी में कारखाना बोलते हैं। तो एक कहा जा रहे हो तो कारखाना में काम करते हैं। मेरे सोच रूम में ये मुझे निर्माण श्रमिक के कंठाड़ा में कपड़े कंठाड़ा में काम बोलते हैं। तो वो कंठाड़ा में जैसे किसी बिल्डिंग बन रही है और बन रहा है और कुछ बन रहा है उसमें सब निर्माण श्रमिक में आते हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं निर्माण श्रमिक में, जैसे कि तकाई उठाने वाले के अलावा कूली है, बेलदार है, आपके मिस्त्री है, फिर नल फिटिंग वाला है, लाइट फिटिंग वाला है, है ना, पाइप फिटिंग करने वाला है, छत वाला है, पेंटर है, सुतार है, जाली फाटक वाला लोहार है, जो जो उस बिल्डिंग में मकान में काम करता है वो सब निर्माण श्रमिक के अंदर आता है। अगर कोई चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड भी अगर कोई निर्माण श्रमिक में अगर निर्माण कार्य में लगा हुआ है तो वो भी उसमें 90 दिन काम कर लिया अगर उसने साल भर में, तो उसको भी निर्माण श्रमिक होने का फायदा मिल जाएगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये मैं आपको बता दूँ। मेरे मालूम होगा ज़्यादा लोगों को, मालूम नहीं मालूम है चलो फिर बता देता हूँ मैं। एक तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र है 18 साल से लेकर 60 साल, कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु उसकी 60 वर्ष होना चाहिए। 60 के बाद सरकार निकाल देती जैसे मेडिकल वगैरह, तो 60 साल से कम की आयु होना चाहिए, 18 साल पूर्ण होना चाहिए वो इसका सदस्य बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो उसमें फॉर्म आता है और जाकर फॉर्म भरना है, आपको साथ में अपना आधार कार्ड जन आधार कार्ड वो ले जाना है और एक बैंक डायरी की फोटो को ले जानी है और अपना मोबाइल नंबर वो बताना है। ये तीन चीज़ें लेके जाना है और एक ठेकेदार का सर्टिफिकेट। अगर आपने 90 दिन के काम करा है तो या तो उस ठेकेदार का सर्टिफिकेट की ये निर्माण श्रमिक है और मेरे पास 90 दिन काम करा है, दो ठेकेदार अगर 90 दिन कम हो रहे हैं, एक ठेकेदार 80 दिन करा, 2 दिन के बाद 10-20 दिन करा, तो उसे लेना सर्टिफिकेट। और अगर कोई नरेगा में काम करता होगा, वो जो ग्राम सचिव है, अब ग्राम विकास अधिकारी बन गए हो तो ग्राम सचिव है जो बोलते हैं ना, उससे सर प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि भाई मैंने किस ग्राम पंचायत में काम करने कम से कम 90 दिन कार्य किया है। ये सब प्रमाण पत्र लेके आपकी तरफ से इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेंगे और अगर ये आवेदन आपका सही होगा तो आपका पंजीयन हो जाएगा और जो लेबर कार्ड मिल जाएगा आप इमिग्रेशन मिल जाएगा कार्ड, वो कार्ड काम के 5 साल तक काम आएगा। 5 साल के लिए बनता कार्ड, समझ गए ना। 5 साल के बाद में उसको आपको रिन्यू कराना, नवीनीकरण कराना है। 5 साल के लिए अब जब होगा तो उसमें फ़ायदे मिलते हैं, उसमें 5 फायदे मिलते हैं। ये फायदे इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक आदमी को फायदे देता है। ये एक ऐसा कार्ड है जो श्रमिकों को उसके शुल्क तो बहुत कम है, सरकारी फीस तो 90 रुपये है, बाकी ई मित्र वाले के तो 35-40-50 रुपये लेता, 150 रुपये है, जिससे ई मित्र वाले बाहर जाओगे ज़्यादा लेंगे। हमारा ऑफिस भी मित्र वाला है, आपसे 150 रुपये ही लेगा क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है। तो बाहर वाले को कोई नियंत्रण नहीं, 500 ले ले, 600 ले ले, छोड़ो।
तो उसमें पांच फायदे मिलते हैं। पांच फायदों में पहला आपका जन्म का बताता हूँ मैं, प्रसूति लाभ, यानी किसी भी महिला के दो बच्चे पैदा होते हैं लेबर कार्ड बनने के बाद, दो बच्चे दो डिलीवरी होती है, प्रसूति समझते हैं समझते हैं, दो डिलीवरी में उसको लाभ दिया जाता है। अगर लड़का पैदा होता है तो 20,000 मिलते हैं और लड़की पैदा होती है तो 21,000 रुपये दिए जाते हैं, ये प्रथम दो डिलीवरी पे। अगर किसके दो बच्चे हो गए और तीसरा हो उसको लाभ नहीं मिलेगा, समझे ना, तो दो बच्चों में लाभ मिलेगा, लड़का हो तो 20,000 और लड़की हो तो 21,000, ये तो जन्म तो हो गया लाभ। अब बच्चा बड़ा हुआ सा पढ़ने गया तो छठी क्लास पास करके अगर वो सातवीं क्लास में जाता है ना, तो छठी क्लास पास होकर पास को छात्रवृत्ति मिलती है। अगर लड़का है छठी क्लास से लेकर नौवीं क्लास तक लड़का है तो 8,000 रुपये एक वर्ष के मिलते हैं और लड़की है तो 9,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। वो ये लंबी तक ये मिलते हैं, दसवीं बाद में उसके जो फीस है बढ़ती जाएगी तौर पर। उसके अलावा विशेष योग्य मेधावी छात्र अगर जो इंटीग्रेट है 75% 80% बच्चा लाता है उसको इसके अलावा अलग से लाभ दिया जाएगा, वो अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग। ये हो गया आपका छात्रवृत्ति का, है ना। फिर काम करना चाहता है 3 साल 2-3 साल तक का लेबर कार्ड बना हुआ है उसको औजार खरीदने के लिए सरकार पैसे देती है योजना में, औजार खरीदते हैं ना, जो भी कोई मजदूर के काम का होता है, नल फिटिंग वाला होगा या जो कारीगर होगा, अपने औजार चाहिए उसको, उसके लिए सरकार 2,000 रुपये देती, एक बार देती 2,000 रुपये। फिर इसके बाद है शुभ शक्ति योजना, अभी शुभ शक्ति योजना में सरकार ने कुछ टाइम के लिए रोक लगा रखी है और पास में संभावना है कि वापस रोक इसमें यही किसी की भी सर्विस की दो लड़की है अगर 18 साल जिसमें पूरी कर ली है, 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और आठवीं पास है, दो लड़कियों को शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपये एक लड़की को दिए जाएंगे। उस 55,000 से वो चाहे अपना विवाह करे, चाहे अपने आगे पढ़ाई करे, चाहे धंधा करे, 55,000 रुपये लड़की को उसके खाते में आ जाएंगे, समझ रहे ना। अब ये 500 मृत्यु साथ, मृत्यु साथ हमने अगर कोई भी श्रमिक है अगर उसकी मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु मतलब बीमारी से मर गया है सब कुछ हो ना, तो उसके परिवार वालों को 2,00,000 रुपये दिया जाएगा और अगर दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है तो उसको 5,00,000 रुपये उसके पार्षदों को सरकार द्वारा यह निर्माण श्रमिक के जो कार्ड बना उसमें तो श्रम विभाग द्वारा उसको भुगतान बोर्ड के द्वारा भुगतान किया जाएगा, समझ गए ना। कुछ ना कुछ आपको इसमें आप श्रमिक होते हैं उनको तो ये बता रहा हूँ उसके लिए सरकार ने नहीं इतना शुरू श्रम योजना के अंदर संज्ञान होता उसका भी बता दीजिए। ये इसमें जो कह रहे हैं ना निर्माण श्रमिक का, उसके लिए क्या है कि सरकार जो निर्माण कार्य होता है उसे 1% टैक्स देती है ना, तो 1% टैक्स देती है उससे आपको लाभ दे रहे हैं। दूसरी जो योजना है उसमें क्या टैक्स लेकिन वो सभी सभी कैटेगरी हो गई, आपके जो घरेलू वर्कर भी हो गए, कोई सब्जी बेचने वाला है, फेरी करने वाला है, बेचते सामान बेचने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, जो और वो जो है ऑटो चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, मैकेनिक है, छोटे मोटे चाय का ठेले वाला है, ठेला गाड़ी चलाने वाला है, चाय की गुमटी लगाने वाला, और भी जो छोटे मोटे जो असंख्य क्षेत्र है उसके लिए सरकार ने 26 प्रधानमंत्री ने शुरू की इन श्रम योजना के तहत, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसका लेबर कार्ड श्रमिक कार्ड अलग पड़ने का, उसमें अगर दुर्घटनाएं मृत्यु होती है तो उसको 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर अंग बंद हो गया किसी ने हाथ चला गया पैर चला गया ऐसा बिल्कुल असमर्थ हो गया काम करने के लिए चलाए उसको 1,00,000 रुपये तक का दिया जाएगा। अभी सरकार ये की योजना भी बाकी उसमें और धीरे धीरे हो सकता है समय के साथ साथ सरकार और लाभ भी देने शुरू कर दे उसमें। आप बताओ अभी जो घरेलू कामगार महिला है उनका अगर 1 घंटे का है 857 रुपये लगभग 900 रुपये कम समझ लो 900 रुपये 1 घंटे का, अगर उसके परिवार के 4 सदस्य हैं, अगर कोई घरेलू महिला 1 घंटा काम करती है किसी वहाँ 4 सदस्य हैं तो उसको 900 रुपये दिए जाएंगे और अगर 4 से 5 सदस्य हुआ तो फिर इसी तरह से पैसे 5 सदस्य 6 सदस्य तो मजदूर इसी तरह इसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अगर कोई महिला पूरे महीने काम करती है 8 घंटे तो पूरा एक दिन काम करती है, सबको कहीं तो 1 घंटा घरों पोछे काम होता पूरा दिन काम करते हैं बच्चे अपना है और कोई भी काम पूरा उसको पूरे महीने काम करते हैं महीने के 7,176 रुपये दिए जाएंगे 7,176 रुपये प्रति माह उसको दिए जाएंगे। ये पेमेंट छत्तीसगढ़ का
फुल काम है, मतलब हंडीज करे काम है। और ताली बजा दो सर के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आपको पूर्व संतरे अधिकारी श्रीमान खान साहब ने आपको जानकारी दिया। प्रोग्राम है सभी शिक्षा स्थापना दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा, फिर भी उन्होंने आपको, क्योंकि आप सब घरेलू कामगार लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए सर ने आपको भवन निर्माण DOCW की जो वेलफेयर स्थिति है उसके बारे में बताया, घरेलू कामगार का कितना बेहतर होना चाहिए उसके बारे में बताया, और बहुत सारी आपको फायदे की जानकारी बताया, और एक जो नई सरकार, एक नई योजना और भारत सरकार में अभी हमारे JLC साहब बताएंगे, तो जो अभी हम सर की हमारे दायित्व साहब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि एक ई लेवल पोर्टल भी आया है भारत सरकार का, उसमें बहुत सारी स्कीमें हैं, सोशल सिक्योरिटी है, तो वो भी हम उसको भी अभी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आगे की कड़ी में अपने